हेलो ट्रेडर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेड में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, IOB शेयर है, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड। तो अभी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बैंक अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, हम लोग थोड़े दिन पहले ही अभी इसके ऊपर टारगेट लिए थे 21 रुपीज वाला, और वो हिट हो चुका है लगातार अपर सर्किट पे। अपर सर्किट आज वहां पे सस्टेन किया है, तो एक अच्छी बात आ जाती है। अभी हम लोग उसी के बारे में, उसी शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि अभी कैसी कंडीशन चल रही है। चार्ट पे चार्ट चेक लेंगे, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स, हम लोग ऑलरेडी काफी तगड़ा मूवमेंट जो है शेयर दिखा रहा है। हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया था। ये देखिए, बैंक में अभी भी मौका है। 90 रुपीज 30 पैसे के आसपास था, 10% का अपर सर्किट लगाया था 4 दिन पहले, और उसके बाद मैंने आपको कहा था ये मूवमेंट दिखाएगा। तो मंडे को काफी तगड़ी मूवमेंट आई ही, और आज भी खबर के चलते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का नीति आयोग द्वारा चल ही रहा है, तो मूवमेंट तो बननी ही थी। तो अभी भी इसमें काफी कंडीशन बेहतरीन चल रही है, तो अभी इसी के बारे में चार्ट चेक लेने वाले हैं। और इसके साथ कौन से और बैंकों का हुआ है जो नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए किया है, उन सभी को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई आपका पॉइंट मिस ना हो। देखिए, सभी जो करंटली है IOB 21 रुपीज 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। नंबर का आज ही इन्होंने कहा है, पर अभी तक आए नहीं है नंबर। अगर आ जाते हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेट लपीट कर रखा है, बहुत सारी कंपनियां हो गई जिनका हम लोग नंबर का इंतजार कर रहे हैं। NMDC हो गया, फिर IOB हो गया, फाइनली PNB का आ चुका है। PNB का हम लोगों ने अपडेट ले लेना है, आज ही हो सकता है, मेरे को टाइम लगता है तो मैं कर दूंगा, क्योंकि आज लेट हो गया दूसरे कामों में फंसने की वजह से। मार्केट से जैसे ही 3:30 बजे तक उठा मैं, उसके बाद से तब से इसी सब चक्कर में वीडियो भी आज काफ़ी लेट अपलोड हुई है, पहली वाली अभी अडानी पावर के ऊपर। उसमें भी देखिए गजब का टारगेट हिट हुआ है। खैर छोड़िए, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अपकमिंग के रिजल्ट अभी आ जाने हैं, अभी तक आए नहीं है। बेसिक EPS 0.35 है, वही है, कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है। प्राइस अर्निंग रेशियो 60.9 है, ठीक ठाक है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ चार्ट में, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये तो पिछली बार ही क्लियर हो गया था, तो मैंने आपको बताया था ये जब से ब्रेक किया है और तगड़ी मूवमेंट दिखाई देगा। तो करंटली देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉय की टेक्निकल कॉल आ ही रही है। एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज के बन रहे हैं वो भी 37 मिलियन के बन रहे हैं, मतलब अच्छा खासा शेयर में एक्टिव रह रहा है मार्केट का। बाकी इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 2,79,000 से अब लोग होल्ड करके चल रहे हैं। हाई लो का डिफरेंस देखा जाए तो कंपनी मल्टीबैगर ऑलरेडी है, 7 रुपीज से 23 तक जा चुकी है। मतलब आपको, अगर जिन लोगों ने 7 रुपीज के अराउंड बाई कर रखा है, उनको 300% से अब आपका रिटर्न ऑलरेडी शेयर ने प्रोवाइड कर रखा है। तो इस हिसाब से शेयर की मूवमेंट तो अच्छी है। अभी देखिए ये न्यूज आई थी, वही नीति आयोग वाली की, ये देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो, देखिए इसमें आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया और भी दो इंडियन ओवरसी बैंक भी आ जाता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों ही प्राइवेटाइजेशन के लिए बातें चल रही हैं। उसके अंदर नीति आयोग ने अपना जो IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक है उसको भी ऐड कर लिया, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसकी वजह से मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी रही है। अब देखिए कब तक इसके, क्योंकि अभी सोर्स कह रहे हैं कि जो डिसीजन प्रपोजल है वो डिपेंड करता है कि कब तक चेंज होंगे। अभी चेंज रिक्वायर्ड है फिर भी, क्योंकि टाइम लगेगा। अब ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट बैंक को प्राइवेटाइज कर दें जो पहले से चल रहे हैं, तो उनमें टाइम लगेगा होपफुली। पर इन चीज़ों में जैसे ही ऐड हो गया है तो ये अच्छी बात है। ये देखिए, तो यही एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको पहले ही, मैंने वैसे आपको बता ही दिया था कि इसको तो ये लोग करेंगे ही लास्ट वाली वीडियो में ही, पर कंफर्मेशन नहीं थी। अभी देखिए अब इस पर आ चुका है, अभी बयान आ जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी शेयर पर अगर बात की जाए, मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है ही, अब लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है। 8 रुपीज 55 पैसे इसका आ जाता है। पहले का ROE इतना बेहतर नहीं रहा है, पर लास्ट 9 मंथ से कह लीजिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल टाइम हाई प्राइस भी 229 रुपीज तक गई है। मेन चीज़ आ जाती है प्रमोटर्स की होल्डिंग, पूरा का पूरा पार्ट प्रमोटर्स के पास है, तो कहाँ से शेयर में और बड़े एक्शन आएंगे। मेन चीज़ ये भी है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेगा, कंपनी फिर अपना प्रॉफिट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेगी, तो उससे क्लियर सी बात है प्रॉफिट की वजह से शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी। पिछले 12 महीने में ऊपर से देखा जाए तो 105% की ग्रोथ तो हुई है,
सेल नंबर इतने बेहतर नहीं रहे हैं, क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट भी 43% सितंबर से दिसंबर में आया है, अभी तक लेटेस्ट वाला डाटा आया नहीं है तो आगे डिस्कस नहीं करेंगे। फेस वैल्यू 10 है तो एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इसका नेगेटिव में चल रहा है, कोई दिक्कत की वैसे बात नहीं है। देखिए ड्रेस शेयर में ऑलरेडी क्योंकि पैनी स्टॉक में आ जाता है, एक चीज का रिस्क तो रहता है कि पैनी स्टॉक में आ जाता है आपको लंबा होल्ड करने वाला जो पीरियड आ जाता है, क्योंकि आपको इसमें लंबा होल्ड करने का बहुत बार होता है। अब देखिए 10 रुपीज वाला अगर हम लोग चार्ट पे सिंपल कोई भी देखेगा जो काफी लंबे टाइम से कर रहा है वो क्लियरली बता पाएगा। अब देखिए इसको एक तरीके से कहेंगे कि फ्लैट है, क्योंकि 10 रुपीज से आप देखिए 10 लास्ट ईयर से जुलाई से जून से आप देखिए आ चुका है 12 फरवरी तक कोई मूवमेंट नहीं आई है, एक दो रुपए ऊपर नीचे ऐसा ही रहा है। उसके बाद से देखिए गजब का ग्रोथ 19 फरवरी के बाद, फिर यहाँ पे भी काफी देर तक स्ट्रगल किया, इसको तो करेक्शन फेस कह लेंगे इतने वाले फेस को, उसके बाद वापस से आज ब्रेकआउट मतलब कल ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये बहुत गजब बात है। अब इसी वजह से जो ग्रोथ है और बेहतर होगी और ये कौन से देखना, धीरे धीरे सारे बेहतर हो जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की ओर कंपनी बढ़ेगी ये सारी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, बाकी नंबर आ जाएंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ट पे बात कर लेते हैं, देखिए क्लियरली था हम लोगों का टारगेट आया 21 वाला, उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज ने इस शेयर को फिर भी ऊपर बनाए रखा। देखिए लास्ट टाइम की जो क्लोजिंग थी उससे ऊपर ही आज क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है जबकि इतनी प्रॉफिट बुकिंग आई भी है तब भी, तो ये एक अच्छा संकेत है। आप इसमें नई एंट्री 20 के अराउंड भी ले सकते हैं इजिली लॉन्ग टर्म के लिए और आपको बहुत बड़ा रिटर्न, क्योंकि हम लोग इसमें इजिली बड़े टारगेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ईयर एंड होने का टारगेट अगर देखा जाए तो कंपनी 50 प्लस में हम लोग इसके टारगेट की उम्मीद लगा सकते हैं इजिली, तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसमें से ये भी एक आ जाता है। ओवरऑल कुछ नया अपडेट नहीं था, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है ठीक है, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो अराउंड ले सकते हैं 20 के भी, 20 से लेके 15 के बीच वाला, क्योंकि करेक्शन होके अगर आपको मिलेगा तो अब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 18 रुपीज तक आए करेक्शन, और अगर उससे नीचे मिल जाती है तो क्या ही बात है, पर आपको जो है लॉन्ग टर्म पे ही आपको इसमें अच्छा रिटर्न का मौका मिलेगा, क्योंकि शेयर देखिए अब यहाँ पे टिका है तो यहाँ पे काफी टाइम तक ऐसे मूवमेंट रहने वाली है, फिर उसके बाद अचानक से मूवमेंट आएगी, तो ये सब चीजें हम लोग देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही गजब सी बाइंग आई तो अभी शेयर काफी अच्छा गया, फिर वापस से इन्वेस्टमेंट तगड़ी आई फिर से ऊपर भागा है, तो यही चीज है जो शेयर को मूव करवा रही है और एक अच्छी आपकी भी इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। और कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।